हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 1 फरवरी 2021। तो 1 फरवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें अब हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है सीरीज तो यू कैन ज्वाइन दैट फ्रॉम द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। पुराने वीडियोस भी आप देख पाएंगे, अभी तक लगभग 10 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट वाला पार्ट कंप्लीट किया है। अब 11th लेक्चर से हम इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे, सो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। आज के सवाल देखते हैं जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। ओशियन वाटर के मूवमेंट में इनमें से किसका इंपैक्ट पड़ता है? फर्स्ट इज सैलिनिटी, सेकंड इज टेम्परेचर, थर्ड इज सन, फोर्थ इज मून, फिफ्थ इज विंड। तो आपको बताना है इनमें से किसका किसका इंपैक्ट पड़ेगा। ए ऑप्शन है 2, 3, 4, 5, बी ऑप्शन है 1, 2, 4, 5, सी ऑप्शन है 1, 2, 5 या डी ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 5। सेकंड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कैपिटल इज क्लोजर टू इक्वेटर। इनमें से किस कंट्री का जो कैपिटल है वो इक्वेटर के क्लोज है? ए इज केन्या, बी इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सी साउथ सूडान या डी सोमालिया। तो इनमें से किसका कैपिटल क्लोजेस्ट है टू द इक्वेटर आपको बताना है। केन्या, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ सूडान या सोमालिया। क्वेश्चन नंबर 3 इज, द बुक फिलोसफी ऑफ बॉम्ब वॉज रिटन बाय। द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब नाम की जो किताब है वो इनमें से किसने लिखी थी आपको बताना है। ए भगत सिंह, बी तिलक, सी बरिंद्र कुमार घोष या डी भगवती चरण वोहरा। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस एंड इनके आंसर्स मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बता दूंगा, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फ्रंट पेज। सेंटर लाइकली टू पोस्टपोन द सेंसस टू 2022। जो सेंसस होता आया अभी तक कब का हुआ है? 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था जिसमें 121 करोड़ जनसंख्या आई थी भारत की। अब 2021 में आने वाला था वैसे, लेकिन अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया है टू 2022। देखो सेंसस जो होता है इसके बारे में थोड़ा फैक्ट याद रखना, सेंसस हमेशा 2 स्टेप्स में होता है। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंसस। फर्स्ट इज द हाउस लिस्टिंग, जिसको हम बोलते हैं हाउस लिस्टिंग। सेकंड इज द पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, ठीक है ना। मतलब कि पहले वाले में आप हाउसेस की लिस्टिंग करते हैं, कितने घर हैं, क्या है, कैसे हैं, एंड देन आप उसके बाद पॉपुलेशन नंबर्स या पॉपुलेशन इन्यूमरेशन में आते हैं। तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंसस, हाउस लिस्टिंग एंड सेकंड इज द पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, ठीक है ना। अब COVID-19 पैंडेमिक के कारण जो एक्सरसाइज है ऑफ कलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स वो डिले कर दी गई थी, ऑब्वियस बात है वो पोस्टपोन होगी, तो ओवरऑल आपका पूरा सेंसस ही पोस्टपोन हो जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच हैज हैपेंड एक्चुअली। एंड सेंसस के बारे में फैक्ट्स याद रखिएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है सेंसस कंडक्ट करने की। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द सेंसस, जो डेकेनियल सेंसस होता है आपके यहाँ, वो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, याद रखिएगा, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, जो कि किसके अंतर्गत आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, दे कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंसस को कंडक्ट करवाने की। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द सेंसस रेस्ट विद द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया विच आर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके लिए एक प्रॉपर एक्ट आया था जिसको हम बोलते हैं सेंसस एक्ट ऑफ 1948, याद रखिएगा, सेंसस एक्ट ऑफ 1948, वी कॉल दैट एक्ट सेंसस एक्ट ऑफ 1948, विच वॉज देयर टू प्रोवाइड फॉर कंडक्टिंग पॉपुलेशन सेंसस, कि क्या उसकी ड्यूटीज है सेंसस ऑफिसर की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सेंसस ऑफिसर की, ये सारी चीजें सेंसस एक्ट ऑफ 1948 के अंतर्गत मेंशनड है। अब बाकी के फैक्ट्स सेंसस के बारे में तो आपको पता होगा कि इंडिया में जो है वो 1872 में पहला सेंसस हो गया था लॉर्ड मेयो के टाइम पे, लेकिन जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस माना जाता है वो 1881 का माना जाता है लॉर्ड रिपन के टाइम का। लॉर्ड रिपन के टाइम का जो पहला है सेंसस माना जाता है ऑफिशियल सेंसस, ठीक है ना। अभी ये कौन से नंबर का सेंसस है ये मुझे आप बताएंगे, यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि ये कौन से नंबर का सेक्शन है आपका सेंसस है। NPR के बारे में, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, कई बार बताया है कि देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एंड NRC, है ना, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में सारे के सारे, पूरा का पूरा इंडियन पॉपुलेशन आ जाता है, प्लस रेसिडेंट्स भी आ जाते हैं। ऐसे रेसिडेंट्स जो कौन कौन आता है, अब NPR के बारे में याद रखना है, NPR के बारे में आप याद रखना है कि सिटीजन्स तो आते ही हैं, जो इंडिया के सिटीजन्स हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस इसमें वो रेसिडेंट्स भी रहेंगे हु आर आइदर रिसाइडिंग फ्रॉम मोर देन 6 मंथ
और जो कि प्लानिंग कर रहे हैं टू रिसाइड फॉर मोर देन 6 मंथ। ऐसे लोग जो या तो 6 महीने रह चुके हैं या फिर आगे 6 महीने रहने वाले हैं, वो सारे लोग NPR के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस याद रखना कि NPR के अंदर रेसिडेंट्स आते हैं एक्चुअली इंडिया में रेसिडेंट्स, और ऐसे रेसिडेंट जो या तो 6 महीने रह चुके हैं या फिर आगे आने वाले समय में 6 महीने ज़्यादा रहने वाले हैं, तो इनको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बोला जाता है। इसको भी रोल आउट किया गया था कुछ स्टेट्स में, लेकिन ये पोस्टपोन कर दिया गया है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, तो ये भी आप याद रखेगा। अगला जो न्यूज़ है वो है अ बुलेट थ्रू एन आइलैंड्स हार्ट। किसके लिए कहा जा रहा है? ये लिटिल अंडमान के लिए कहा जा रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि देर हैज़ बीन अ प्लान फॉर द सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द फ्रेजाइल लिटिल अंडमान आइलैंड इन द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप। तो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप के अंदर का जो सदर्न मोस्ट पार्ट, एक्चुअली अगर आपने अंडमान एंड निकोबार का मैप देखा है तो जो नीचे सबसे पार्ट रहता ना 10 डिग्री चैनल के जस्ट ऊपर, वो लिटिल अंडमान रहता है आपका। 10 डिग्री चैनल के जस्ट ऊपर वाला पार्ट लिटिल अंडमान है। अब आप बोलेंगे सर कैसे मान लें हम आपको, तो लेट मी शो यू द मैप एज वेल। ये देखो यहाँ 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल के ऊपर आपका लिटिल अंडमान है, उसके नीचे कार निकोबार है। तो एक चीज़ ये एक और चीज़ आप याद रखेगा, फैक्ट याद रखेगा कि 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार के अंदर का तो है, बीच में तो आता है। ऐसा बोलते हैं ना कि अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल सेपरेट करता है, तो उसको 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। लेकिन कौन कौन से पार्ट्स को स्पेसिफिकली अगर पूछ ले, UPSC ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से स्पेसिफिक पार्ट्स को करता है, तो लिटिल अंडमान को करता है विद योर कार निकोबार। याद रखिएगा लिटिल अंडमान को कार निकोबार से सेपरेट करने का काम आपका 10 डिग्री चैनल करता है। याद रखिएगा अंडमान सी, ये रहा आपका, और ये लिटिल अंडमान की बात चल रही है जो इस न्यूज़ आइटम में बात चल रही है ना, कि जिसको एक पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए उसके लिए एक प्लान निकाला जा रहा है, वो लिटिल अंडमान की बात की जा रही है। अब लिटिल अंडमान के ऊपर देखो, लिटिल अंडमान के ऊपर आपका डंकन पैसेज है। लिटिल अंडमान के ऊपर आपका क्या है? डंकन पैसेज है। और यहाँ सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर जो अंडमान है निकोबार में है, देखो यहाँ पे कोको चैनल है, दिस इज द कोको चैनल। फिर आता है आपका नदर अंडमान, नॉर्थ अंडमान आता है। कोको चैनल के बाद आपका नॉर्थ अंडमान आता है ना, एंड पहले कोको चैनल, फिर नॉर्थ अंडमान देखा, फिर यहाँ पे हमने देखा आपका साउंड आइलैंड, इंटरव्यू आइलैंड, ये सब बीच में तो है, फिर ये मिडिल अंडमान। तो नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे साउथ अंडमान, दिस इज द साउथ अंडमान। तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, और साउथ अंडमान के बाद डंकन पैसेज, एंड डंकन पैसेज के बाद लिटिल अंडमान। याद रखिएगा नॉर्थ मिडिल साउथ के बाद आपका लिटिल अंडमान आता है, और डंकन पैसेज आता है साउथ और लिटिल के बीच में। और यहीं पर देखो आपका नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भी है, सेंटिनलीज जहाँ पर रहती है ना पॉपुलेशन, सेंटिनलीज पॉपुलेशन, वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भी यहाँ पर है। और इसके अलावा यहाँ पर रिटलैंड आइलैंड भी है, रिटलैंड आइलैंड, और इनके नाम चेंज कर दिए गए थे, हैवेलॉक हो गया ना, हैवेलॉक आइलैंड, इन सब के नाम क्या कर दिए गए थे ये मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और मैंने आपको बता दिया साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में आपका 10 डिग्री चैनल, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कार निकोबार के बाद ही बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि कार निकोबार के बाद कुछ नहीं है। कार निकोबार के बाद आपका सोम्ब्रेरो चैनल है, सोम्ब्रेरो चैनल के बाद आपका लिटिल निकोबार आता है। तो कार निकोबार हो गया, फिर लिटिल निकोबार हो गया, फिर आपका ग्रेट निकोबार भी हो गया। कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार, एंड ग्रेट निकोबार के बाद आपका इंदिरा पॉइंट आता है। तो याद रखिएगा कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार, तो ये भी आप याद रखें, कार लिटिल एंड देन ग्रेट, CLG कॉलेज होता है ना कॉलेज, तो याद रखेंगे अंडमान एंड निकोबार में जो निकोबार वाला पार्ट है वो कॉलेज है, यानी कि कार लिटिल एंड आपका ग्रेट, ठीक है। I hope you got clarity regarding the map. Map आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो न्यूज़ क्या है, बेसिकली लिटिल अंडमान का जो पार्ट है उसके लिए 680 स्क्वायर किलोमीटर का वो एरिया है, फ्रजाइल है, और उसके लिए एक सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान बनाया जा रहा है। एक्चुअली है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लिटिल अंडमान आइलैंड विजन डॉक्यूमेंट इज द नीति आयोग's प्रपोजल टू लेवरेज द स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड नेचुरल फीचर्स ऑफ द आइलैंड। तो ये नीति आयोग ने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसको बोलते हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द लिटिल अंडमान विजन डॉक्यूमेंट, इसका नाम रखते हैं नीति आयोग, ठीक है ना। तो अब नीति आयोग ने इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट बना लिया है, कह रहे हैं कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे इस रीजन का। अब उसके अंतर्गत क्या क्या करेंगे देखो, मैं चीजें दिखाता हूं आपको, एंड विल बी डन बाय बिल्डिंग अ न्यू ग्रीन फील्ड कोस्टल सिटी, एक पूरी ग्रीन फील्ड कोस्टल सिटी बनाई जाएंगे इन द लाइन्स ऑफ हांगकॉन्ग एंड सिंगापुर। तो हांगकॉन्ग एंड सिंगापुर की लाइन में पूरी एक न्यू ग्रीन फील्ड सिटी बनाई जाएगी, एंड इसके अंतर्गत अलग अलग जोन्स बनाए जाएंगे, देर विल बी डिफरेंट जोन्स, एंड फ्री ट्रेड जोन की तरह ये काम करेगा, इट विल एक्ट एज अ फ्री ट्रेड जोन। एंड
इसके अंदर का 3 एंकर्स एंड जोन्स बनेंगे। जोन 1 विच विल बी स्प्रेड ओवर 102 स्क्वायर किलोमीटर अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान के ईस्ट कोस्ट में 102 स्क्वायर किलोमीटर का एक जोन 1 रहेगा। इट विल बी द फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट एंड मेडी सिटी, एंड इसके अंतर्गत एरो सिटी, टूरिज्म, हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट्स भी आएंगे। देन स्प्रेड ओवर 85 स्क्वायर किलोमीटर प्रिस्टीन फॉरेस्ट। जोन 2 जो रहेगा, इट विल बी द लीजर जोन विच विल हैव अ फिल्म सिटी, रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट एंड टूरिज्म SEZ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जोन 2 में रहेंगे। अब देखो पेज 8 में इसके बाद की न्यूज़ है, लेकिन ऑलरेडी इसके ऊपर कई लोग जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, दिस विल नॉट बी गुड फॉर द अंडमान निकोबार एरिया, ये उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा, है ना। इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं है एंड इट्स अ वेरी फ्रेजाइल जोन जिसका इम्पैक्ट बहुत नुकसानदायक हो सकता है। थोड़ा मैं आपको आंसर बता देता हूँ ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने पूछे थे। लेट मी टेल यू द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन। पहला सवाल मैंने पूछा था मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर को कौन कौन सी चीज़ इम्पैक्ट करती है। याद रखिएगा ओशियन वाटर के मूवमेंट को सेलिनिटी, टेम्परेचर, सन, मून, विंड, ये सारी चीज़ें ही इफेक्ट करती हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा, है ना। फिर किस कंट्री की कैपिटल क्लोजेस्ट है इक्वेटर से, तो याद रखिएगा केन्या की कैपिटल है नैरोबी, वो क्लोजेस्ट है। एंड DRC की कैपिटल है किनशाशा, इसकी कैपिटल क्या है, किनशाशा इसकी कैपिटल है। तो ये दूसरा फिर क्लोजेस्ट रहेगा, लेकिन केन्या क्लोजेस्ट है, याद रखिएगा, दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब किताब किसने लिखी थी, तो भगवती चरण वोहरा। द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब बुक हैज बीन रिटन बाय भगवती चरण वोहरा। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड रिमेंबर। आगे मूव करते हैं हम एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं। वेरी वेरी गुड एडिटोरियल्स टुडे, एडिटोरियल्स वर वेरी वेरी गुड। पहला एडिटोरियल हम देखेंगे वो है द फार्म लॉज नीड पॉलिटिकल रेजोल्यूशन। बहुत सिंपल सा आर्टिकल है, बहुत टफ मत बनाना इसको। मैं आपको सिंपल सी चीज बताते हैं, इसका जो सोल्यूशन ऑथर ने बताया कि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है उसका सोल्यूशन पार्लियामेंट में लाई करता है, क्योंकि पार्लियामेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी विच हैज द पावर टू सॉल्व द इशू। पूरा का पूरा जो इशू है केवल और केवल पार्लियामेंट सॉल्व कर सकता है। अब कैसे पार्लियामेंट सॉल्व कर सकता है कि फार्मर्स की अगर हम डिमांड देखें तो डिमांड क्या है, पहला तो लीगल स्टेटस ऑफ MSP, लीगल स्टेटस ऑफ MSP, और दूसरा है कि रिपील ऑफ द लॉ। ये दोनों के दोनों काम कौन कर सकता है, ये दोनों के दोनों काम कर सकता है केवल पार्लियामेंट। तो वही चीज ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट किया, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्लियामेंट टू रिजॉल्व द इशू। पहली चीज ऑथर ने कुछ मिथ्स भी बताए, जैसे मिथ क्या है, एक मिथ ये है कि यहाँ पे ऐसा लोग कहते हैं कि केवल पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के फार्मर्स ही यहाँ पर आ रहे हैं और केवल उन्हीं को प्रॉब्लम है। तो ऑथर ने सबसे पहले ये मिथ तोड़ते बोला कि ऐसा बिल्कुल नहीं कि केवल पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के फार्मर्स का प्रोटेस्ट है, ये एक्चुअल में पूरे देश के ही फार्मर्स कहीं ना कहीं इस चीज से प्रभावित है। और अपने अपने स्टेट में जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते वो अपने अपने स्टेट पे अलग लेवल पे प्रोटेस्ट ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ऑथर का ये कहना है कि जो लोग नहीं आ सकते हैं दिल्ली वो ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लोग इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि दे आर क्लोजर टू दिल्ली एंड वहां से ये आ सकते हैं, ठीक है ना। देन इसके बाद यहाँ पे ऑथर ने यह भी कहा है कि हर स्टेट का जो MSP का प्रोक्योरमेंट है वो अलग होता है, पंजाब हरियाणा के केस में बहुत ज्यादा है, है ना। इस कारण से उनका होना भी लाजमी है क्योंकि वो MSP का सबसे अधिक उपयोग भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो उपयोग कम कर रहे हैं उसको कम थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो ज्यादा उपयोग कर रहा है तो उसकी प्रॉब्लम भी। इवन द जो वॉइस एक पर्सन की भी वॉइस हो, अगर इवन द वॉइस ऑफ वन पर्सन मैटर्स, है ना, सिंपल सी बात तो ये होनी चाहिए कि इवन द वॉइस ऑफ वन पर्सन मैटर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पंजाब हरियाणा को दिक्कत हो रही है तो उनको कोई मैटर नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन ऑथर इसके बाद ये बोलता है कि इट इज एसेंशियली द ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द स्टेट एंड द फार्मर्स। यहां पे मेन जो प्रॉब्लम है वो ट्रस्ट डेफिसिट का है। ट्रस्ट डेफिसिट का क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से ये बिल पास किए हैं, देखो गवर्नमेंट ने इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं होने दिया, बहुत किसी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास रिफर नहीं किया, पब्लिक ओपिनियन के लिए ओपन नहीं रखा। तो ये सारी चीजें जो थी दीज वर एक्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इसलिए फिर फार्मर्स को काफी दिक्कत है क्योंकि इसका कोई भी डिस्कशन स्टेक होल्डर्स के साथ कोई डिस्कशन नहीं किया गया। फार्मर यूनियन को आपको बैठाल करके उनको बताना चाहिए था, है ना, दिस शुड हैव बीन द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, क्योंकि जो लोग अफेक्ट होने वाले अगर उनको ही नहीं आप इन्वॉल्व करोगे तो आपका बिल कैसे कोई एक्सेप्ट करेगा। फिर ऑथर ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी अटेम्प्ट किया कि कमेटी बना ली जाए, लेकिन वो सारी चीज़ें सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं इशू को। इशू सॉल्व होगा अगर पार्लियामेंट चाहती है तो पार्लियामेंट्री तरीके से ही आप इशू सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ऑथर ने फिर ये भी बोला कि द टाइमिंग वॉज रॉन्ग। एक तो टाइमिंग रॉन्ग थी क्योंकि COVID-19 पैंडेमिक का टाइमिंग था, उस टाइम पर ऐसे बिल्कुल आने की जरूरत ही नहीं थी। दूसरा द मेथडोलॉजी, द टाइमिंग प्लस मेथडोलॉजी की जिस तरीके से पार्लियामेंट में बिल लाया गया विदाउट एनी डिस्कशन, देखो लिखा हुआ है विदाउट एनी डिस्कशन, इट क्रिएटेड
एन इंप्रेशन ऑफ स्टबर्ननेस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का अपनी तरह से अखंड रवैया दिखाई दिया इसके कारण, एंड डायलॉग एंड कंसल्टेशन एंड डिस्कशन तो होना ही चाहिए। अगर ये चीज में आप फेल कर जाएंगे तो जो ट्रस्ट बनना चाहिए, जो क्रेडिबिलिटी बननी चाहिए ऑफ द पीपल ओवर योर एक्ट्स, दैट विल बी डिप्लीटेड, है ना, वो डिप्लीट हो जाएगी। एंड इसीलिए ऑथर कहते हैं कि बजट सेशन जो है इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट टू ब्रिंग बैक दिस पीस ऑफ लेजिस्लेशन द पार्लियामेंट एज अ फ्रेश। तो उनको क्या करना चाहिए, ऑथर का कहना है कि बजट सेशन में क्या करना चाहिए, इन बिल्स को फ्रेशली लाना चाहिए एंड इसको रेफर करना चाहिए टू द पार्लियामेंट्री कमिटीज, एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज में जब ये जाएगा वहां पर डिस्कशन होगा, डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस आएंगे, जब डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस आएंगे तब जाकर के लोगों के सामने आप प्रूफ करो ना, पहले आप लोगों से प्रूफ करो कि ये बिल्स किस तरीके से उनके इनकम को बढ़ाएगा, ये बिल किस तरीके से उनके लिए लाइफ चेंजिंग होगा, ये सारी चीजें आपको प्रूफ करनी पड़ेगी। डिस्कशन डिबेट के अलावा और कोई आपके पास तरीका नहीं है, एंड पार्लियामेंट के अलावा और कोई ऐसा वेंचर नहीं है जहां पर आप सबसे अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, एंड वर्ल्ड आपको, इंडिया आपको पूरा देखेगा। तो दैट इज द थिंग विच ऑथर मेंशंस कि आपको क्या करना चाहिए, फ्रेशली ये फिर से बिल लेकर के आने चाहिए एंड इनको रेफर करना चाहिए टू द स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में रेफर करिए ताकि इसको और ज्यादा लेजिटिमेसी मिले और ज्यादा डाइवर्स ओपिनियन मिल पाए स्टेट्स के, पोलिटिकल पार्टीज के, एंड तब जाकर के आप कन्विंस कर पाओगे फार्मर्स को किस तरीके की किसी बिल की जरूरत है या नहीं है, ठीक है ना। दूसरा जो आर्टिकल है वो है द महात्मा एंड द एम्पावरमेंट ऑफ द अदर। इसमें महात्मा गांधी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है एक्चुअली में, और महात्मा गांधी की जो फिलॉसफी थी उनके दो तीन बेसिक प्रिंसिपल्स को यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है। तो यहाँ पर ऑथर ने जिस पॉइंट को सबसे अधिक उठाया है वो है द एम्पावरमेंट ऑफ अदर, अदरनेस या एम्पावरमेंट ऑफ अदर, ये जो कॉन्सेप्ट है अदरनेस का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि क्या होता है कई बार कि हम जो व्यू पॉइंट लेते हैं हमको लगता है वही व्यू पॉइंट सही है, दूसरा हर व्यक्ति गलत है, देयरफॉर क्या हो रहा है कि वी आर नॉट कंसीडरिंग द वैल्यू ऑफ अदर पर्सन, हम दूसरे व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट कंसीडरिंग हिम एज, मतलब इक्विवेलेंट, वी आर नॉट कंसीडरिंग हिम एज इंटेलिजेंट इनफ टू गिव हिज और हर व्यू पॉइंट, तो मेन बात वो चल रही है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी का जो रहता था, इट वॉज द एम्पावरमेंट ऑफ द अदर, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी यही चाहते थे कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जेंडर, रेस, कास्ट, क्रीड, क्लास, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। प्लस वो चाहते थे द सोशल एंड पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एम्पावर करें टू ऑल द पीपल, जो अलग अलग तरीके के लोग हैं उन सबको सोशल और इकोनॉमिक तरीके से आपको एम्पावर करने की जरूरत है। दिस वॉज द व्यू पॉइंट ऑफ महात्मा गांधी। द एम्पावरमेंट ऑफ द अदर इज अ वैल्यू विच नीड्स टू बी क्रिएटेड एंड चेरिश्ड। महात्मा गांधी का कहना था द एम्पावरमेंट ऑफ द अदर इज अ वैल्यू विच नीड्स टू बी क्रिएटेड एंड चेरिश्ड, एंड इन अदर वर्ड्स महात्मा गांधी वॉज एन एक्ट ऑफ एम्पैथी एंड एफिनिटी, नॉट अ मोड ऑफ सोशल इंटरेक्शन इंटरकनेक्टेडनेस टेकन फॉर ग्रांटेड। तो महात्मा गांधी जो बेसिकली चाहते थे एम्पावरमेंट के साथ साथ, एम्पावरमेंट के साथ साथ क्या होना चाहिए, देयर शुड बी एम्पैथी। एम्पैथी इज अगेन अ वर्च्यू, एम्पैथी कैसा वर्च्यू है कि वेन यू कैन गेट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ अदर पर्सन एंड फील द वे ही फील्स एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली, दैट इज एम्पैथी। मतलब कंपैशन इन मोशन इज एम्पैथी, एक्चुअली में डेफिनेशन यही होती है कि एम्पैथी मतलब कि वेन यू कैन फिट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ अदर पर्सन एंड आपको उस तरीके से फील कर पाए, देन दैट इज एम्पैथी। एंड महात्मा गांधी इन वैल्यूज को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करते थे, एम्पैथी हो गया, एम्पावरमेंट ऑफ द अदर हो गया, है ना, एंड इट शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, जो सोशल इंटरकनेक्टेडनेस है दैट शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, दिस इज ऑल्सो वॉट महात्मा गांधी ऑलवेज बिलीव्ड, एंड ही was in belief that there should be an harmony between ethics and politics, there should be an harmony between the ethics and politics। आज के केस में अगर ये देखा जाए तो बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर पा रहे हैं आज की पॉलिटिक्स में, और लोग अपने मतलब के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कुछ भी काम कर रहे हैं, दैट शुड नॉट हैपन। एथिकल सिटीजनशिप एंड एम्पैथेटिक फ्रेंडशिप, दीज आर द टू वैल्यूज विच वर महात्मा गांधीज कोर, एथिकल सिटीजनशिप एंड एम्पैथेटिक फ्रेंडशिप, है ना, नॉन वायलेंस इनकरेज एंड अवेयरनेस विच मूव्ड द इंडिविजुअल अवे फ्रॉम द मोनिस्टिक ईगो सेंट्रिसिटी टू अ प्लूरिस्टिक शेयर्ड सफरिंग। यहाँ पे महात्मा गांधी का एक और व्यू पॉइंट था कि आपको मोनिस्टिक ईगो सेंट्रिसिटी, मतलब आपको जो अपना सेल्फ सेल्फ, हम बोलते हैं आई मी माई सेल्फ, सलमान खान वाली जो फिलॉसफी है वो काम नहीं करती है, कि आई मी माई सेल्फ वाली जो फिलॉसफी है वो काम नहीं करती, इसीलिए सलमान खान काम नहीं करेगा।
ठीक है ना, यू वी एंड हम, यू वी एंड हम वाली फिलॉसफी काम करेगा, आई मी माई सेल्फ नहीं, यू वी एंड हम वाली फिलॉसफी काम करती है, जिसको प्लूरिस्टिक शेयर्ड सफरिंग बोला जाता है, मतलब आप खुद का सोचते जाओ, ऐसा नहीं है, आपको शेयर्ड सफरिंग के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। महात्मा गांधी अंडरस्टूड द सिविलाइजेशनल प्रोसेस ऑफ फ्रीडम मेकिंग एज एन इंक्लूजन ऑफ द अदर एज अदर। फ्रीडम मेकिंग की प्रोसेस तब आपकी सफल होगी जब हम दूसरे को दूसरे की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसको अपने अंतर्गत एसिमुलेट कर लें, हम कोशिश करें कि नहीं हमारा जो व्यू पॉइंट है उसी के अंतर्गत तुम भी शामिल हो जाओ तभी आप हमारे ग्रुप में आओगे, नहीं, आप जैसे हो आपका जो भी व्यू पॉइंट है आपको उसी के तरीके से इंटर। एंड दूसरी चीज, तो उनकी किताब है हिंद स्वराज, उसमें उन्होंने अदरनेस ऑफ द अदर को बहुत ज्यादा वैल्यू दी है, ही हैज इंट्रोड्यूस्ड दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ अदरनेस ऑफ द अदर, मतलब वी शुड रिस्पेक्ट द अदर्स ओपिनियन, वी शुड रिस्पेक्ट द व्यू पॉइंट ऑफ द अदर पर्सन, वी शुड रिस्पेक्ट द अदर पर्सन एज एन इंडिविजुअल, हमको उसकी रिस्पेक्ट करने आनी चाहिए। दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन मेंशनड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। एंड याद रखिएगा, एम्पैथेटिक जो सिटीजनशिप है और एथिकल व्यू पॉइंट है उनका एथिक्स और पॉलिटिक्स वाला, वो सब याद रखना, जब कभी आंसर राइटिंग करने का मौका मिले या महात्मा गांधी के ऊपर, तो ऐसे भी आ सकता है पूरा का पूरा, उनकी वैल्यूज, उनकी रेलिवेंसी आज के टाइम पे, ये सारी चीजें आप उसमें मेंशन करना, ठीक है ना। मोरल इंटरकनेक्टेडनेस, एम्पैथेटिक प्लूरलिज्म, जो मैंने आपको दोनों चीजें समझाई है, मोरल इंटरकनेक्टेडनेस, एम्पैथेटिक प्लूरलिज्म, ये जरूर याद रखेगा, एम्पैथेटिक प्लूरलिज्म, यू शुड हैव एम्पैथी फॉर अदर्स एज वेल, आपको समझ में आना चाहिए। एंड जो आपका सेंट्रलाइज्ड ईगो सेंट्रिसिटी थी ना, ईगोइस्टिक सेंट्रिसिटी, ईगो सेंट्रिसिटी, वो नहीं होना चाहिए। एंड यू शुड हैव अ टेंडेंसी टूवर्ड्स टूवर्ड्स अदर एज वेल, आपको दूसरे के बारे में समझना चाहिए। एंड यू शुड ऑलवेज रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द पाथ ऑफ राइचियसनेस एंड कंपैशन, एंड यू शुड पुट फॉरवर्ड द मोरालिटी बिफोर मटेरियलिज्म। महात्मा गांधी का कंसेप्ट था मोरालिटी बिफोर मटेरियलिज्म, तो ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि महात्मा गांधी ने दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। एंड वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द डिसिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस विद द अदर्स, हमको ये याद रखना चाहिए, हमको सिर्फ सिमिलैरिटीज नहीं रिस्पेक्ट करनी चाहिए या अच्छी लगनी चाहिए, एक दूसरे के साथ की डिसिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस भी हमको समझ में आने चाहिए और अच्छे लगने चाहिए। बिल्डिंग अ रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम, यहाँ पे ऑथर ने बात की है हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में, तो हेल्थ केयर के पैरामीटर्स ऑथर ने जो उठाए हुए हैं, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टैलिटी रेट, मैटरनल मोर्टैलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट एंड परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज बाय अनट्रेंड पर्सनल्स। तो जैसा कि आप चार्ट दे सकते हैं, ऑथर ने वही चीज़ बोली कि बिहार का अगर आप केस देखो तो मैटरनल मोर्टैलिटी रेट 149 है, एमपी में 173 है, राजस्थान में 164 है, वहीं तमिलनाडु में 63 है, 42 केरला में है ना, और इंडिया का ओवरऑल एवरेज 113 है, ठीक है ना। इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट में अगर आप देखो तो यूपी में 43 है, एमपी में 48 है, वहीं केरला में 7 है, ओवरऑल इंडिया का 32 है, ठीक है। और टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया का 2.1 है, जहां पे तमिलनाडु का 1.6, 1.7 केरला का, लेकिन अगर बिहार का देखो 3.2 है। तो कुल मिलाकर के एक डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि जो नदर्न स्टेट्स हैं दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल, जो ये पैरामीटर्स हैं इन सब में सबसे जो पुअर परफॉर्मेंस है वो नदर स्टेट्स की है, स्पेशली बिहार, एमपी, जो बीमारू राज्य जिनको बोला जाता था। बीमारू किसको बोला जाता था? बी फॉर बिहार, M फॉर मध्य प्रदेश, R फॉर राजस्थान, U फॉर उत्तर प्रदेश। तो बीमारू राज्य को इसीलिए लिया गया है, इनको कहा जाता था बीमारू राज्य, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, दीज आर नोन एज द बीमारू राज्य। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना कि इनमें अगर हम पैरामीटर्स देखें तो ऑथर ने वही कहा है, सारे पैरामीटर्स को कंपेयर किया है, फिर कहा है कि जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें गोल 3 जो था गुड हेल्थ एंड वेलबींग, वो वाला गोल हम पूरा ही नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो 2000 से 2015 तक के लिए आए थे वो भी हमने पूरे नहीं कर पाए, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द पुअर परफॉर्मेंस इन द नदर स्टेट्स, ऑथर का ये कहना है। एंड हेल्थ जो है कि स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल रहता है in order to fulfill the achievements of these indicators and all। एंड वही चीज़ ऑथर ने यहाँ बोले कि यहाँ पे बेसिकली हमको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंटिव केयर को प्रायोरिटी दें। तो यू हैव टू गिव प्रायोरिटी टू पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंटिव केयर, पब्लिक हेल्थ और प्रिवेंटिव केयर को देनी पड़ेगी इंपॉर्टेंस ऑन पार विद द सदर्न स्टेट, जैसे सदर्न स्टेट्स में दिया गया था, तब जाकर के आप तमिलनाडु जैसी कंडीशन अचीव कर सकते हैं, केरला जैसी कंडीशन अचीव कर सकते हैं। जैसे तमिलनाडु का यहाँ पे केस स्टडी दिया गया है और एग्जाम्पल दिया गया कि तमिलनाडु ने क्या किया था, दे इनकरेज द हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग द डिस्ट्रिक्ट।
डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट्स के अंतर्गत भी हेल्दी कंपटीशन स्टार्ट किया था। वही जैसे स्टेट है एमपी कर सकता है या आपका राजस्थान कर सकता है कि स्टेट्स के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर कंपटीशन करें, उनके उनको प्राइस देना शुरू करें कि अगर आप ऐसा ऐसा परफॉर्म करते हो तो आपको ऐसे ऐसे इनाम मिलेंगे, तब जाकर के लोगों के अंदर ये भावना डेवलप हो पाएगी। अदरवाइज FDI बस से कुछ नहीं होगा, आपको ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। FDI से कुछ नहीं होगा, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करो, पब्लिक हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करो। बजट के लिए भी वही सजेशन है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि बजट में जो प्रोविजन है हेल्थ केयर के लिए वो बढ़ाने की कोशिश है, स्पेशली फॉर द नॉर्दर्न स्टेट्स, वो कुछ और अच्छा कर पाएं, है ना। सो दैट इज द थिंग ऑथर हैज सजेस्टेड इन दिस आर्टिकल। द प्रॉब्लम ऑफ एजिंग ऑफ डैम्स, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि इंडिया में बहुत सारे डैम्स हैं जो 50 साल से ज्यादा के हो चुके हैं, एज 50 साल से ज्यादा की हो चुकी है। डैम्स के मामले में इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड है, है ना। डैम्स के मामले में इंडिया की रैंक थर्ड है, फर्स्ट एंड सेकंड पे कौन है ये आपको बताना है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, है ना। इंडिया की रैंक थर्ड है एंड लार्ज डैम्स हैव ऑलरेडी रीच्ड 50 इयर्स ऑफ एज एंड सम आर ओल्डर देन 120 इयर्स। तो 50 साल से ज़्यादा कई सारे डैम्स की एज हो चुकी है इंडिया में, कुछ तो 120 इयर्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं। जैसे मुल्ला पेरियार डैम, मैंने आपको बताया था मुल्ला पेरियार डैम 1800s में बना था, मुल्ला पेरियार डैम, है ना। एंड ये सारे डैम्स की जो एज है वो 2050 तक बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब कि 80% ऑफ द नेशंस डैम्स विल फेस द प्रॉस्पेक्ट ऑफ बिकमिंग ऑब्सोलीट। मतलब लगभग 80% ऑफ द डैम्स जो हैं वो ऑब्सोलीट होने वाले हैं बाय द ईयर 2050। इसमें कृष्णा राजा सागर डैम जो कि 1930 में बना था, लगभग 90 साल पुराना हो चुका है। मेटूल डैम 1934 में बना था, 87 ईयर्स ओल्ड हो चुका है, ठीक है ना। एंड ये ऑलरेडी वाटर स्केयर्स कावेरी रिवर बेसिन में लोकेटेड है। होता क्या है कि जब डैम्स की एज ज़्यादा हो जाती है, व्हेन डैम्स एज सॉइल रिप्लेसेस द वाटर इन द रिजर्वॉयर, सॉइल रिप्लेसेस द वाटर इन द रिजर्वॉयर, ठीक है ना। सिल्टेशन होता है जिसको बोलते हैं, सिल्टेशन रेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब एज होती जाती है तो सॉइल रिप्लेसेस द वाटर इन द रिजर्वॉयर, देयरफॉर द स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो दैट डिक्रीजेस, द स्टोरेज कैपेसिटी डिक्रीजेस। तो नुकसान क्या क्या है, अगर स्टोरेज कैपेसिटी डिक्रीज होगी तो जो पानी का फ्लो है वो कम रहेगा। जब पानी का फ्लो कम रहेगा तो इसका मतलब है कि वहां से जो रीजंस हैं जिन पे पानी जा रहा है वहां पानी पूरा प्रॉपर नहीं जाएगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे एंड क्रॉप यील्ड डिक्रीज होने लगेगी, क्रॉप यील्ड जो है वो डिक्रीज होने लगेगी। तो वही चीज यहां पे ऑथर ने लिखी है, जो एजिंग की प्रॉब्लम है उससे इट कैन थ्रेटन वाटर स्केयरसिटी, इट कैन अफेक्ट फार्मर्स इनकम एंड इंक्रीज द फ्लडिंग। कई बार क्या होता है, डैम अगर आपका टूट गया या ये हो गया तो अचानक से पूरा फ्लो आ जाएगा और आपका फ्लडिंग आ जाएगी रीजन में, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द एजिंग ऑफ द रिजर्वॉयर्स। गार्बेज टू पावर प्लांट इन वेजी मार्केट गेट्स प्राइम मिनिस्टर्स पैट। अब आपके नरेंद्र मोदी जो है ही वॉज गिविंग द मन की बात में उन्होंने B.R. अम्बेडकर एग्रीकल्चर मार्केट जो है, B.R. अम्बेडकर एग्रीकल्चर मार्केट कहाँ पर है, बोवेनपल्ली में है, याद रखेगा हैदराबाद तेलंगाना रीजन के बोवेनपल्ली में B.R. अम्बेडकर एग्रीकल्चर मार्केट है, जहाँ पर वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट के थ्रू जनरेट की जाती है पावर। याद रखेगा यहाँ पे बोवेनपल्ली जो B.R. अम्बेडकर एग्रीकल्चर मार्केट है बोवेनपल्ली में, वहाँ पे वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट के थ्रू जनरेट की जाती है पावर टू द एक्सटेंट ऑफ 500 यूनिट्स अ डे, 500 यूनिट्स अ डे एंड 30 किलोज ऑफ ग्रीन मैन्योर ऑफ प्लांट। तो 30 किलोग्राम लगभग ग्रीन मैन्योर मिल जाता है प्लस 500 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी अ डे दैट इज प्रोड्यूस, ठीक है ना। बोवेनपल्ली मार्केट आपका B.R. अम्बेडकर। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है, द CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैज़ डिजाइंड एंड पेटेंटेड द हाई रेट बायोमिथेनेशन टेक्नोलॉजी। तो याद रखिएगा CSIR जो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, उसने डिजाइन एंड पेटेंट किया है इसको, जो हाई रेट बायोमिथेनेशन टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ करके आपका बोवेनपल्ली मार्केट में यूज़ किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगली जो न्यूज़ है वो है मोदी प्रेजेस सोलो एफर्ट्स एट लेक क्लीनअप। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि वेम्बनाड कोल लेक जो है, आपका वेम्बनाड कोल लेक है केरला में, वहाँ पे एक इंडिविजुअल एफर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है। और ये इंडिविजुअल एफर्ट्स किसकी है, NS राजप्पन, रिमेंबर द नेम NS राजप्पन, ही इज़ अ डिफरेंटली एबल्ड मैन, डिफरेंटली एबल्ड मैन फ्रॉम कई पुजामुत्तु एंड दैट इज़ फ्रॉम द कुमारकोम कोट्टयम, वहाँ के एक व्यक्ति हैं KS राजप्पन एंड ही हैज़ worked hard to clean this Vembanad lake, है ना। And इसका भी recognition Prime Minister ने किया in the मन की बात पे, इसके इनके बारे में भी बताया गया, ठीक है ना।
जैसे प्राइम मिनिस्टर के बारे में लिखा ही है। फिर इन्होंने एक और चीज़ तारापुर मार्टियर्स डे के बारे में बताया। तारापुर मार्टियर्स डे जो कि बिहार का रीजन है, वहाँ पर 1932 में कई ग्रुप ऑफ सिटीजन्स को किल कर दिया गया था। यंग पैट्रियट्स वर किल्ड 15 फरवरी 1932, तारापुर मार्टियर डे के बारे में भी उन्होंने बताया। देन वेजिटेबल मार्केट वोमनपल्ली हैदराबाद के बारे में बताया, मैंने बताया ऑलरेडी। देन पीपल ऑफ तवांग इन अरुणाचल प्रदेश, इनके बारे में बताया। हु वर मेकिंग मोन शुगु इज अ फॉर्म ऑफ ईको फ्रेंडली पेपर, मैंने ऑलरेडी आपके इसके बारे में बताया हुआ है। मोन शुगु इज एन ईको फ्रेंडली पेपर, है ना। एंड ऑल वुमेन क्रू ऑफ एयर इंडिया कमांडिंग द लॉन्गेस्ट फ्लाइट फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू बेंगलुरु। तो याद रखिएगा, इन सब चीज़ों के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी अपने मन की बात सेशन में बताया। दीज वर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। इंडिया डिलीवर्स 2 क्रेन्स फॉर चाबहार। अब चाबहार पोर्ट में 2 बड़े क्रेन इंडिया ने 140 टन क्रेन्स पहुँचा दिए फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग, ठीक है ना। ऑलरेडी 6 मोबाइल हार्बर क्रेन्स का एग्रीमेंट हुआ चुका है इंडिया ईरान के बीच में, है ना। चाबहार पोर्ट जो कि ईरान में लोकेटेड है, विच विल एक्ट एज अ गेटवे टू द सेंट्रल एशिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है आपका, वो एक कोऑर्डिनेटरल मीटिंग अटेंड करने वाली है। कोऑर्डिनेटरल मीटिंग में कौन कौन रहेगा? अफगानिस्तान रहेगा, ईरान रहेगा, उज्बेकिस्तान रहेगा। याद रखिएगा, अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड बाकी सेंट्रल कंट्रीज ऑब्जर्वर की तरह रहेंगे। एंड दे विल डिस्कस द चाबहार कनेक्टिविटी एंड ट्रांजिट ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़। तो चाबहार की ट्रांजिट ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड ऑन अबॉर्शन अनफीजिबल। अब एक देखो, एक बात चल रही है, अब आपको पता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल है। देर इज ए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020, जिसमें कि ये कहा गया है कि अगर 24 हफ्तों के बाद अगर 24 वीक्स के बाद आपको एबॉर्शन करना है, तो उसके लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा। एक डॉक्टर्स का बोर्ड बनेगा, जिसके अंदर एक रेडियोलॉजिस्ट रहेगा, गायनोकोलॉजिस्ट रहेगा, सोनोलॉजिस्ट रहेगा, पीडियाट्रिशियन रहेगा, ये एक बोर्ड बनाया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो बिल है, ये अनफीजिबल बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि लगभग 82% ऑफ दीज पोस्ट आर लाइंग वेकेंट इन द कंट्री। इनका ये कहना है कि 82% ऑफ द पोस्ट ऑफ रेडियोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, ये तो वैकेंट चल रही है, तो आप फिर बोर्ड किससे बनाओगे, है ना। तो दैट इज द थिंग, दैट इज द मेजर इशू। अभी तक क्या है, 24 वीक तक का तो है, लेकिन 24 वीक के बाद अगर आपको करना है अबॉर्शन, सो दैट नीड्स द ग्रीन सिग्नल फ्रॉम अ बोर्ड, जिस बोर्ड के अंतर्गत अलग अलग मेंबर्स रहते हैं, है ना। और ये भी स्पेशल केसेस में ही हो सकती है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकती है, अगर कुछ फीटल एबनॉर्मेलिटीज हैं या फीटल एबनॉर्मेलिटीज के कारण मदर की जान को कोई खतरा है, तभी ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ये भी आपको याद रखना है। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.